आप यहाँ शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं, पिछले 8 दिन से धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं सर? देखिए, ये जो गूंगी बहरी सरकार है आम आदमी पार्टी की, हाँ जी, और जो इनके विधायक जनता से वोट लेके जीते हुए हैं, हाँ हाँ, इनको हम गली गली में शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, इस विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो आज स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो देखेंगे कि गली गली शराब की दुकानें खुली है, हाँ जी, वो गलत आदतों की तरफ रोकने का काम जो आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, इस नीति के खिलाफ हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये कब तक चलेगा सर? देखिए, जब तक ये गूंगी बहरी सरकार आम आदमी पार्टी की, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि जो हमने ये नीति बनाई है, ये नीति जनता के हक में नहीं है, जनता को इसमें नशे में लोग डूबेंगे और नशे में दिल्ली खराब होगी। हम जब तक उनको ये समझ नहीं आएगा तब तक हम ये धरना करते रहे। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार लोगों को नशेड़ी बना रही है? गली गली में शराब खोलने का मतलब तो ये होता है कि, हाँ जी, कि आप पहले आपको जाने में दिक्कत होती थी कहीं पे, हाँ, अब आपके घर के बाहर ठेका खुला है, आप वहाँ से शराब लीजिए और पीजिए, मतलब तो यही है ये नीति बनाने का। अच्छा, एक अहम सवाल ये है कि आपके घर में भी महिलाएं हैं, सबके हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा इसमें कितना खतरे में आई है शराब के ठेके खुलने से? देखिए, बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, हाँ जी, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। हाँ हाँ। सच्चाई इनके पास, ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। अच्छा, महिला सुरक्षा इससे मेन जुड़ी हुई है। हाँ हाँ। देखिए, शराब पीने के बाद आदमी होश में नहीं रहता, पहले ही दिल्ली के अंदर इतने बलात्कार और इतनी चीजें चलती आ रही है तो ये संभाल नहीं पा रहे, और आज ये शराब का खुलेआम ठेका देके प्राइवेट हाथों में बेच के ये घोषणा इन्होंने कर दी है कि दिल्ली की महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं रहेगी। हाँ हाँ। और हम, ये महिलाओं के हक में नहीं है, महिलाओं के दुश्मन है। ये तो हम पंजाब में महिलाओं को लालच दे रहे हैं कि 1000 रुपए महीना उनके खाते में डालेंगे, अब MCD का चुनाव है, हो सकता है ये यहाँ भी वादा करते। देखिए, पैसे देने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है, फ्री में पैसा देने से, ठीक, ये सिर्फ एक गलत नीति और झूठ का सहारा लेके सरकार चलाते हैं, यही इनका प्रोपेगंडा है, सिर्फ झूठ की राजनीति। धन्यवाद। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। ज्वाइन NCL इंग्लिश क्लासेस, लर्न इंग्लिश इन 60 आवर्स। कॉन्टेक्ट 9315813596। आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मनोज सक्सेना है। सक्सेना जी, आप यहाँ पे कितने टाइम से धरना दे रहे हैं? यहाँ पे आज 8वां दिन है धरने का। हाँ जी, 8वां दिन आज। अच्छा अच्छा, तो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं, पश्चिम जिले में प्रचार मंत्री का मेरे पास पद है। हाँ जी, और ये जो शराब का ठेका खुल रहा है, हाँ, ये MCD की जगह थी और इसको मेट्रो कल तरीके से यूज कर दिया। हाँ, इसको हम किसी भी कंडीशन में खुलने नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, तो ये कब तक धरना चलेगा सर? जब तक बंदी को चलाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। हाँ जी, कोर्ट में ले जाएंगे इसको। हाँ हाँ, कितने दिन हो गए धरना देते हुए? आज 8वां दिन है। 8वां दिन है, तो अगर चाहे आपको 1 महीना बैठना पड़े तभी बैठोगे? अच्छा, बैठेंगे। हाँ, तो विरोध क्यों कर रहे हैं शराब के ठेके का? क्यों विरोध कर रहे हैं? ठेके बोले, गरीब कॉलोनी है, जैसे कॉलोनी है। हाँ हाँ। गरीब बच्चे यहाँ रहते हैं। हाँ हाँ। पहले इनका कोई बारिश नहीं है। हाँ जी, ये अमीर लोगों ने, इनके आम आदमी पार्टी सरकार ने, अरे ठेके खोलने खोलो ना, माल में खोलो। हाँ जी, मार्केट में खोलो। हाँ हाँ, घर के बाहर ठेका खोलने का कौन सा वो है? हाँ हाँ, यहाँ लोग बाहर के लोग आएंगे, शराब खरीदेंगे, पार्किंग है नहीं, आप देख सकते हैं। इससे अपराध भी बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे। हाँ जी, यहाँ लोग लड़ाई झगड़े होंगे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। सच न्यूज 24/7 से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम ज्ञानदीप कुमार है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली में मतलब की शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी। हाँ हाँ, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी, इंटर तक तो कम से कम आपके जो बच्चे हैं, हाँ, वो नोएडा में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, नोएडा के योगी की सरकार में। हाँ, लेकिन आप मतलब नोएडा के दिल्ली के अंदर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? हाँ जी, अगर सरकारी स्कूल इतने ही अच्छे हैं, इतने अच्छे थे तो क्यों नहीं पढ़ाए आपने? हाँ, क्यों इस जनता को बेवकूफ बना रहे हो? हमने पूरी दिल्ली के अंदर स्कूल साफ कर दिए, अच्छे बनवा दिए, और आप कहते हो कि हम पंजाब के अंदर फ्री में महिलाओं के लिए 1000 रुपया देंगे महीने का देंगे, अच्छी बात है। हाँ हाँ, मेरे को ये बताइए, आप खुद मुख्यमंत्री हो। हाँ जी,
आप पेंशन लेते हो, आपके 62 MLA हैं, वो भी पेंशन लेते हैं, कहते हम जनता के लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि हमारे जो जितने भी MLA हैं वो अपनी पेंशन बंद करके वो जनता के लिए करें। हाँ जी, तो ये क्यों नहीं कर पाते? अगर इनके मंत्री बीमार होते हैं तो ये सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि प्राइवेट में जाते हैं? हाँ, मैं वही तो मैं कहना चाहता हूँ। आप ये पहले कहते थे कि हम यहाँ पे ना सरकारी बंगला लेंगे ना कुछ लेंगे। कोई बात नहीं है, ये तो होता है कि चलो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन ये बताओ, यदि आप 62 MLA लेके आए हो, 62 MLA लेने के बाद में आप अपने मंत्रियों की पेंशन नहीं बंद कर सकते, तो आप इन्होंने तो अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी। हाँ, अब आपको पता है मुख्यमंत्री की इस समय कितनी तनख्वाह है? आपको पता है? ये अपनी जितनी भी ये 2.5 लाख रुपया ले रहे हैं महीने का। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके 62 सांसद है, 62 MLA है दिल्ली के अंदर, तो आप उनकी पेंशन काटोगे ताकि ये एक मिसाइल बनो, ताकि आने वाली सभी देश की जितनी भी पार्टियां हैं सब पे दबाव पड़े। आप कहते हो आम आदमी पार्टी जनता को आप बेवकूफ बनाने का काम क्यों कर रहे हो? केजरीवाल क्यों कर रहे हो? केजरीवाल जी, अच्छा अच्छा, आप पढ़े लिखे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को बेवकूफ बनाओगे। आपके बच्चे पढ़ते हैं योगी वोट तो आप ही डालते हो ना। वो कहते हैं कि फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, तो आप फ्री के चक्कर में वोट डाल देते हो। देखो, हम फ्री के बात, देखो फ्री के अंदर आज इतना गंदा पानी मिल रहा है कि आज जो भी फ्री के चक्कर में ना बोल भी नहीं सकता। जो पानी पीने लायक है नहीं दिल्ली के अंदर, 11 जिले में से 9 जिले के अंदर पानी पीने लायक नहीं है। तो मैं केजरीवाल से कह रहा हूँ, आप दिल्ली के चक्कर में दिल्ली की जनता में क्यों परेशान करना चाहते हो? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सच न्यूज 24/7 से बातचीत करने के लिए।